केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजा और नरसिंहपुर जिला के विधायक जालम पटेल के बेटा मणि नागेंद्र उर्फ मोनू पटेल को कल बेहद कम उम्र में निधन हो गया। रविवार को मोनू पटेल ने 34 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दरअसल कल दोपहर 1 बजे मोनू अपने कमरा में सोवे गए और शाम के 6 बजे तक जब वे कमरा से बाहर नहीं निकले तो परिजनन को चिंता होने लगी। कमरा में जाके देखे तो मोनू बेड पे उल्टे पड़े थे और इसके बाद उनको फौरन अस्पताल ले जाओ गए, जिते डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। अभी श्री मणिनागर पटेल जी को उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में लाया गया और वो जाँच के आधार पर देखा गया है कि वो मृत पाए गए और कल उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके आधार पर ही जो मुख्य कारण है उनकी मृत्यु का वो अपन बता सकते हैं। अभी मतलब क्या कह सकते हैं सर, कैसे हुई कुछ जानकारी? देखिए, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं, अभी वो पोस्टमार्टम के आधार पर ही अपन बता सकते हैं। क्या शुभ नाम लेते सर? मेरा नाम है डॉक्टर इंदर सिंह डंडोतिया, मेडिकल ऑफिसर CSC गोटेगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह को पता चले, लेकिन शुरुआती तौर पे हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कई हस्तियों ने मोनू पटेल के निधन पे शोक व्यक्त करे है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।